गाइज आज हुआ AEW डायनामाइट का एपिसोड पूरी तरह से ब्रूडी ली को डेडिकेटेड था और इस एपिसोड में AEW के सभी सुपरस्टार्स ने ब्रूडी ली अका जॉन हुबर को शानदार ट्रिब्यूट दिया और इस एपिसोड में ब्रूडी ली के ग्रुप द डार्क ऑर्डर ने भी अपने लीडर को ट्रिब्यूट दिया जब जॉन सिल्वर और एलेक्स रेनोल्ड्स ने हैंगमैन पेज के साथ अपनी टीम बनाकर सामना किया द इनर सर्कल का जिसमें ओल्टीज MJF और संटाना थे। मैच काफी अच्छा हुआ लेकिन मैच के दौरान MJF के बॉडीगार्ड वार्डलो ने मैच में इंटरफेरेंस की लेकिन तब हमें AEW के डायनामाइट में एरिक रोवन अपना शॉकिंग डिबेट करते हुए दिखाई दिए। उन्होंने वार्डलो को रिंग से बाहर कर दिया और बैक स्टेज की तरफ ले गए जिसके बाद द डार्क ऑर्डर और हैंगमैन पेज ने अपनी टीम को जीत दिला दी और इस मैच के बाद डार्क ऑर्डर के मेंबर्स रिंग में काफी इमोशनल हो गए और रोने लगे जिसके बाद एरिक रोवन ने भी अपने ब्रदर लुक हार्पर को एक पोस्टर के जरिए ट्रिब्यूट दिया जिस पर लिखा था गुड बाय फॉर नाउ माय ब्रदर सी यू डाउन द रोड और इसके बाद एरिक रोवन भी काफी इमोशनल दिखाई दिए और उनकी आंखों में अपने भाई के मरने का दुख साफ साफ दिखाई दे रहा था जिसके चलते कमेंट्री पर बैठे क्रिस जेरिको ने कहा कि ये आंसू असली है और डायनामाइट में जिस तरह से एरिक रोवन ने डार्क ऑर्डर का साथ दिया है उसको देखकर लगता है कि शायद अब हमें डार्क ऑर्डर ग्रुप के न्यू लीडर मिल चुके हैं जो कि होंगे एरिक रोवन। वैसे गाइज मैं पर्सनली AEW के एपिसोड कभी कभार देखता हूँ लेकिन आज जो AEW के एपिसोड में हुआ वो काफी इमोशनल था क्योंकि AEW के सभी सुपरस्टार्स ब्रूडी ली को ट्रिब्यूट देने में लगे थे। अब यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सुपरस्टार फेस है या हील है, AEW के सभी सुपरस्टार्स ने मिलकर ब्रूडी ली को ट्रिब्यूट दिया है जो कि देखने में काफी शानदार था। तो बस गाइज यही थी वीडियो, आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक जरूर करना। इसी के साथ कॉमेंट करके AEW के आज हुए डायनामाइट के एपिसोड के बारे में अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि रेसलिंग से जुड़ी ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।